चालू हो गया आवाज ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल हमद लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिलहु फला हादियलह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, आज जुमा का दिन है 26 जून 2020। हमारी दूसरी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो जूम पर पेश की जा रही है, जद्दा दावा सेंटर हय्यत सलामा ममलकत सऊदी अरबिया की जानिब से आप सबको इस्लामी तरीके से हम सलाम पेश करते हुए कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपको हमारे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की जो तौफीक दी है उस पर हम अल्लाह के सबसे पहले शुक्रगुजार हैं और फिर आप सब भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप तमाम भाई हमारी हमारी इस दीनी खिदमत से मुस्तफीद हो रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे सबसे पहले मुकर्रर शेख अब्दुल्लाह, आपका ताल्लुक नेपाल से है, आप बचपन ही में कुरान मजीद को हिफ्ज किया, फिर मदरसे फैज आम मऊना भंजन आजमगढ़ यूपी से आपने आलमियत का कोर्स पास किया। 1392 में 1972 में आपने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद जनूबी हिंदुस्तान से फजीलत की सर्टिफिकेट शहादा हासिल फजीला आपने हासिल किया। फिर '77 में आप जामिया दारुसियत हुए, 1974 में फिर आप मदीना मुनव्वरा की जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से आप मुंतहिक हुए, वहां आप आला तालीम के लिए तशरीफ लाए। फिर '74 में वहां आपने लाइसेंस हासिल की, 78 में 78 के दरमियान मुमताज दर्जे से यानी बीए की डिग्री में आपने आपने पीएच डी की और 1983 में मदीना यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको तरावी सुनाने के लिए अफ्रीका के एक मुल्क मोजम्बिक में आपका इंतखाब हुआ, वहां आपने एक महीने तक तरावी सुनाई और उसके बाद आप जामिया
फिर दोबारा जामिया दारुसलाम और उमराबाद में तदरीस के लिए वापस हिंदुस्तान चले आए और 1424 से आप जामिया दारुसलाम में वकील जामिया के हिस्से से अपना मंसूब संभाला। इसके अलावा आपने बहुत सारे बहसें भी लिखी हैं, मकालात भी लिखे हैं और आप मजमा अल-फिक्ह इस्लामी हिंदुस्तान में जो एक आलमी कमेटी है जिसका मकसद उसका एक जल दौरी, उसमें भी काफी बहुत सारे मुलाकात में आपने शिरकत की है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसों में आप शिरकत करते रहते हैं और आपके दावती प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान भर में होते रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें और आपको इखलास के साथ दीन की दावत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। अब मैं फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल्ला जवलम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह को दावत सुखन दे रहा हूँ। फलियतफ़द्दल मशकूरन जज़ाहुल्लाहु अन्ना कुल खैर। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. अल्लाह ताला ने इस आयत करीम में बताया है कि तुम उम्मत हो, तुमको वजूद में लाया गया है इंसानों के लिए। सारे इंसान कैसे अच्छा बनेंगे और कैसे जन्नत में जाएंगे? तरकीब बताई, तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमनून बिल्लाह। तुम अच्छी बातों का हुक्म दोगे और बुरी बातों से रोकोगे। जब अच्छी बातें मुआशरे में फैलेंगी, लोग अच्छी बातों को अपनाएंगे तो अच्छे बनेंगे और जन्नती होंगे। तो तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम अच्छी बातों का हुक्म दोगे और बुरी बातों से रोकोगे। अच्छी बातें बहुत सारी हैं, इन नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सच बोलो, इन सारी बातों में सबसे अच्छी बात क्या है? सारी बातों में सबसे अच्छी बात अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह के दीन की दावत देना है। कहा अल्लाह ताला ने, वमन अहसनु कौला मिम्मन दआ इलल्लाह وعمل صالحا وقال انني من المسلمين। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद अच्छा काम करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ। तो सबसे अच्छी बात अल्लाह की तरफ बुलाना है। अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? कि अल्लाह किसी घर में बैठा हुआ है और लोगों को कहना है आओ अल्लाह की ज़ियारत कर लो, या ये कि अल्लाह तो सातों आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर है। फिर अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? अल्लाह की तरफ बुलाने का मतलब अल्लाह के
बताए हुए रास्ते की तरफ बुलाना, क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। रब का बताया हुआ रास्ता क्या है? रब का बताया हुआ रास्ता दीन इस्लाम है। कहा अल्लाह ताला ने, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा अल्लाह ताला को कोई दीन कबूल नहीं। कहा अल्लाह ताला ने, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन्हु, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा तो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कि अल्लाह ताला को सिर्फ दीन इस्लाम ही महबूब और पसंदीदा है। कहा अल्लाह ताला ने, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम सब के लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया। दीन इस्लाम में इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया है, पैदा होने से लेकर मरने तक के अहकाम दिए गए हैं। तो इन सारी बातों में दीन इस्लाम की सबसे बुनियादी बात क्या है? दीन इस्लाम की सबसे बुनियादी बात तौहीद है। तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इसलिए इबादत उसी की जाए। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, वही अल्लाह तुम सब का रब है, सबको पालने वाला वही एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत किए जाने के काबिल नहीं। क्यों कोई और इबादत के काबिल नहीं? इसलिए कि अल्लाह तन्हा सबका खालिक है। कहा अल्लाह ताला ने, ला इलाहा इल्लाहु खालिकु कुल्ल शैय, कि वही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। फअबुदूह, तो इबादत उसी की करो, इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। और सुन लो, अल्लाह के अलावा जिसकी भी तुम इबादत करते हो वो मखलूक है, खालिक नहीं। इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्थालुकुम, अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारे मानिंद अल्लाह के बंदे हैं। तो फिर इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। और अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया है। इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह ला यखलुकून शैयं वहुम यखलुकून, अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो ला यखलुकून शैयं, उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया है। वहुम यखलुकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। ये कैसी बात है? इबादत खालिक की भी करते हो, मखलूक की भी करते हो, दोनों को एक ही दर्जा देते हो। अफमन यखलुको कमल ला यखलुक अफला तज़क्करून, क्या वो ज़ात जो पैदा करे वो और वो ज़ात जो ना पैदा करे दोनों बराबर? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इबादत खालिक की करो कि वो बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। मखलूक की बात क्यों करते हो? मखलूक तो खुद मुहताज है, वो तुम्हें क्या देगा? इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, तुम मखलूक की मुहताजी देखना चाहते हो? अल्लाह के अलावा जिसकी भी तुम इबादत करते हो उसकी मुहताजी देखना चाहते हो? देखो, अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो लन यखलुकू ज़ुबाबन, वो हरगिज़ एक मक्खी नहीं बना सकते। वलव इज्तमऊ लह, सभी इकट्ठे हो जाएं फिर भी सारी दुनिया में अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है उसको किसी एक बड़े मैदान में जमा कर लो और कहो कि सब मिल करके एक मक्खी बना दें। लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ वो मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाना तो दूर की बात, उनकी बेबसी कैसी है देखोगे? देखो, वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैयन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो उसको भी नहीं वो बचा सकते। देखो, तो तुम जो चढ़ावे चढ़ाते हो
खाता कौन है? बिल्ली, चूहे, मक्खी। अल्लाह ताला ने एक मक्खी की मिसाल दिया है, कहा वही यसलुबहुमुद्दुबाबु शैयन ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो अपने उससे अपने चढ़ावे को बचा नहीं सकते, उसे छीन नहीं सकते। ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, उनसे जो मांग रहा है वो कितना कमज़ोर अक्ल है, और जिससे मांगा जा रहा है वो तो कमज़ोर है ही, उसकी बेबसी और कितनी देखना है। कहा अतअबुदूना मा तन्हितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, क्या तुम इबादत उसकी करते हो जिसको अपने हाथ से बनाते हो? तो कितना बेबस है, तुमने बनाया है उसको, और तुमने बनाया है तो उससे उसके अंदर क्या कमाल पैदा हुआ। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदीन यब्तशून बिहा, क्या उसके पास पैर है जिससे वो चले, क्या उसके पास हाथ है जिससे वो पकड़े? तुमने पैर बना दिया, तुमने हाथ बना दिया, तुमने आँखें बना दी, तुमने कान बना दिए, मगर उसमें सुनने की देखने की ताकत कौन देगा? हम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उस पास आँख है जिससे वो देखे? हम लहुम आदानु यस्मऊना बिहा, क्या उसके पास कान है जिससे वो सुने? जब ये सब कुछ नहीं तो फिर उससे तुम मांगते क्या हो? जब वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तुम्हारी किसी हाजत के काम नहीं आ सकते। सुनो या युहन्नास अंतुमुल फकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, ऐ इंसानो तुम सब मुहताज हो अल्लाह के, तुम सब मुहताज हो अल्लाह के, अल्लाह बेनियाज है, वो जिसको देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, जिससे किसी से छीनना चाहे तो उसे कोई दे नहीं सकता। वहीं यमसकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, वहीं युरीद का बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़्लिह, अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इस नुकसान से तुमको कोई नहीं पहुंचा बचा सकता अल्लाह के अलावा, और अगर तुम्हें कुछ देना चाहे, नेमतों से नवाजना चाहे, तो उस नेमत को कोई रोक नहीं सकता। इबादत करो उसकी जिसकी कुदरत हर शय पर है, जो देना चाहे तो कोई रोक ना सके, जो लेना चाहे तो कोई दे ना सके। कहो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तन्ज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, हो ऐ अल्लाह तू ही सारे मुल्कों का मालिक है, तू जिसे चाहता है मुल्क अता करता है, और तू जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, और तू जिसे चाहता है जलील करता है। बियदिकल खैर, सारी खूबी तेरे ही हाथ में है, इन्नका अला कुल्ले शैइन क़दीर, तेरी कुदरत हर शय पर है, तो इबादत करो उसकी जिसकी कुदरत हर शय पर है। इसी की दावत कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इबादत उसी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, इसको दावत तौहीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसी दावत के लिए सारे रसूलों को भेजा। कहा अल्लाह ताला ने वलकद बअसना फी कुल्ले उम्मतिर रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, हमने हर कौम में रसूल भेजा, उनका काम यह था कि वो लोगों को बताएं उबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, अल्लाह की ही इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से बचो। दूसरी आयत में कहा वमा अरसल अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, हमने आपसे पहले जिस रसूल को भी भेजा उनको यही हुक्म दिया था, यही वही की थी कि मेरे अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं, फअबुदून तो इबादत मेरी ही करो, इबादत अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो। इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कहा अल्लाह ताला ने कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उशरिक बिह इलैहि अदउ, आप कह दीजिए मुझको तो इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की ही इबादत करूँ और उसके साथ किसी को शरीक ना करूं, यानी मैं तौहीद पर कायम हो जाऊं। तो क्या मैं तौहीद पर कायम हो गया तो बस है? नहीं, फिर क्या करना है? इलैहि अदउ, इसी की तरफ लोगों को बुलाऊं। क्यों इसी की तरफ लोगों के पास जाना है? वो पूछेगा कि हमने तुम्हारे हवाले जो काम किया दिया था वो किया, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मुझे ये काम तो करना ही है,
और इसी काम की जिम्मेदारी इस उम्मत के हवाले की गई। अल्लाह ताला ने कुल हादी सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी, आप कह दीजिए यही मेरा तरीका है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाऊं पूरे इल्म यकीन के साथ कि अल्लाह एक है, वही सब का खालिक व मालिक है, इबादत उसी की जाए। इसकी दावत कौन दे? आना व मन तबानी, ये काम मैं करूं, ये काम रसूल करें, व मन तबानी और हर वो शख्स जो रसूल का इत्तेबा करे। रसूल का इत्तेबा करने वाला कौन? रसूल का इत्तेबा करने वाला हर मुसलमान, सारे मुसलमान रसूल के मुत्तबे हैं। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, मगर मुझसे इत्तेबा नहीं हो सकेगा, मैं पैरवी नहीं कर सकूँगा, तो फिर उसका इस्लाम बर्बाद, उसका ईमान बर्बाद। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम और अपने अमल को बर्बाद मत करो। अगर तुमने अल्लाह की इताअत से इनकार किया तो तुम्हारा अमल बर्बाद, तुम्हारा ईमान बर्बाद। अगर तुमने रसूल की इताअत से इनकार किया तो तुम्हारा ईमान बर्बाद, तुम्हारा अमल बर्बाद। कि रसूल की इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत करना है। कहा अल्लाह ताला ने वमन युतिउर रसूल फ़कद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अल्लाह की जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो आग में दाखिल होगा, आग में हमेशा रहेगा, जहन्नम में हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से रसूल का मुत्तबे कौन? सारे मुसलमान। तो दीन की दावत देना, तौहीद की दावत देना सारे मुसलमानों का काम है। तौहीद की दावत किसको दी जाएगी? तौहीद की दावत असलन गैर मुस्लिम को दी जाएगी। मुसलमान को क्यों नहीं? मुसलमान को इसलिए नहीं कि तौहीद के बगैर कोई मुसलमान होता ही नहीं है। तो मुसलमान के पास तौहीद पहले ही से मौजूद है, फिर उसको तौहीद की दावत क्या दी जाएगी? तो फिर इस आयत का क्या मतलब, जिसमें अहले ईमान को फिर से ईमान की दावत दी जा रही है? कहा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो क्या मुसलमान को दोबारा ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है, या ये कि अहले ईमान को अल्लाह और उस पर रसूल पर ईमान लाने के लिए कहने का मतलब ये है कि तुम ने जिस ईमान को कबूल किया है उस पर जम जाओ, जैसा कि दूसरी आयत में कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है फिर उसी पर जम जाते हैं, उसी पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। दूसरी आयत में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। तो अहले ईमान को जहाँ ईमान की दावत दी जा रही है उसका मतलब ये होता है कि जिस इस्लाम को तूने अपनाया है उसको पूरे तौर से अपनाओ। ये कैसी बात है कि कहते हो मैं मुसलमान हूँ चोरी भी करते हो, ये कैसी बात कि कहते हो मैं मुसलमान हूँ जिना भी करते हो, ये कैसी बात कहते हो मैं मुसलमान हूँ और शिर्क भी करते हो? तो उदख़ुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, तो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। तो असलन तौहीद की दावत गैर मुस्लिम को दी जाएगी। तो फिर मुसलमान गैर मुस्लिमों को दावत क्यों नहीं दे रहे हैं तौहीद की? शायद मुसलमान ये समझ बैठे हैं, बल्कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि हमारे मुस्लिम भाई के अंदर ही हर किस्म की खराबी पाई जाती है, बहुत सारे मुसलमान शिर्क में मुबतला हैं, बहुत सारे मुसलमान बिदअत और खुराफात में मुबतला हैं, बहुत सारे मुसलमान चोरी और जना में मुबतला हैं। तो हम अपने फ़ायदे की फ़िक्र करें या दूसरों को दावत देने जाएं? तो भाई मुसलमान हमारे भाई, गैर मुस्लिम किसके भाई? वो भी तो हमारे भाई हैं,
वो भी हमारे भाई हैं। जी हाँ, क्या दलील कि वो भी हमारे भाई हैं? दलील का अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों डरो अपने उस रब से जिसने तुम सबको पैदा किया एक ज़ात से। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम सबको पैदा किया एक ज़ात से। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक ज़ात से पैदा किया, वो ज़ात कौन है? आदम। आदम से अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा किया। कैसे पैदा किया? उसका मुख्तसर खाका यहाँ है, खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, कि आदम से पहले आदम से उनकी बीवी को पैदा किया और फिर इन दोनों से बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को, बल्कि एक एक सारे मर्द और सारी औरतों को, के सारे इंसान आदम व हव्वा की औलाद। उसी को दूसरी आयत में कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिम व उन्था, ऐ इंसानों हमने तुम सबको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। वो कौन है? आदम व हव्वा। तो सारे इंसान आदम की औलाद। इसी वजह से कुरान करीम में मुतअद्दिद बार आया है या बनी आदम, खिताब सारे इंसानों, या बनी आदम ऐ आदम की औलाद। तो मुस्लिम भी आदम की औलाद, गैर मुस्लिम भी आदम की औलाद। आदम का जो खून मुसलमान में दौड़ रहा है, आदम का वही खून गैर मुस्लिम में भी दौड़ रहा है। गोया यूं कहिए कि एक मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ खूनी रिश्ता है, एक मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ खूनी रिश्ता है, कि इंसान होने के एतबार से मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आपस में भाई भाई। तो क्या मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं? सब भाई भाई होने में बराबर नहीं है फ़र्क। कि कुछ लोगों का कहना होता है, कैसी बात करते हैं आप, कहते हैं कि सारे इंसान भाई भाई, जबकि कुरान करीम से तो हमें ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम ही आपस में भाई भाई, कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई, इन्नमा हसर के लिए है। तो कैसे अगर मुस्लिम हमारा भाई हो सकता है? और कहते हैं कि हदीस में भी तो ऐसे ही है कि कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलमुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई। तो अलमुस्लिम कहा गया, ये भी तख़सीस पर दलालत करता है। तो मालूम हुआ कि मुस्लिम ही मुस्लिम का भाई, फिर गैर मुस्लिम हमारा भाई कहे। तो भाई इन्नमा हमेशा हसर के लिए नहीं आता, बल्कि तख़सीस के लिए, यानी खुसूस मोमिन का खुसूसी भाई। इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम हमारा भाई नहीं, कि अल्लाह ताला ने कहा खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इंसान होने के एतबार से हर इंसान आपस में भाई भाई। वह यूं कहिए कि उख़ुव्वत दो तरह की होती है, एक उख़ुव्वत इस्लामी और एक है उख़ुव्वत इंसानी। एक है उख़ुव्वत इस्लामी और एक है उख़ुव्वत इंसानी। मुस्लिम होने के एतबार से मुस्लिम मुस्लिम का भाई दीन की बुनियाद पर, और इंसान होने के एतबार से हर इंसान आपस में भाई भाई। इस तफरीक की दलील किया कि उख़ुव्वत दो तरह की होती है। दलील का अल्लाह ताला ने फ़इन ताबू वक़ामु सलाता वातउ ज़कता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, अगर वो शिर्क से तौबा करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो ये तुम्हारे दीनी भाई यानी इस्लामी भाई, और अगर वो शिर्क से तौबा नहीं करते, कुफ्र से तौबा नहीं करते, तो इंसानी भाई अपनी जगह। तो क्या इस तफरीक की वजह से हुक्म में कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, हुक्म में फ़र्क पड़ता है। उख़ुव्वत इस्लामी की बुनियाद पर मीरास जारी होगी, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यरिसुल मुस्लिमु अल काफिरा वलल काफिरु अल मुस्लिमा। तो ये मीरास का ताल्लुक उख़ुव्वत इस्लामी से है, इस्लामी उख़ुव्वत की बुनियाद पर मीरास जारी होगी। अगर बाप काफिर बेटा मुस्लिम, बाप का इंतकाल हो तो बेटा वारिस नहीं होगा। उसी तरीके से उल्टा, अगर बेटा काफिर बाप मुस्लिम,
बेटे का इंतकाल होता है तो बाप वारिस नहीं होगा, तो क्या मीरास का ताल्लुक उखुवत इस्लामी से है। उसी तरीके से उखुवत इस्लामी की बुनियाद पर निकाह होगा। एक मुशरिक औरत मोमिन के लिए हलाल नहीं, उसी तरीके से मोमिन औरत मुशरिक के लिए हलाल नहीं। कलाहुन हिल्लु लकुम वलाहुम यहिल्लून लहुन। इस तरीके यहाँ उखुवत इस्लामी काम करेगी, उखुवत इंसानी नहीं। इंसानी उखुवत की बुनियाद पर क्या होगा? इंसानी उखुवत की बुनियाद पर हर इंसान को जीने का हक है, किसी को ना हक कत्ल नहीं किया जाएगा, वो काफिर ही सही। कि अल्लाह ताला ने कहा वमन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ। जिस किसी ने किसी इंसान को ना हक कत्ल किया तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। तो हर इंसान को जीने का हक है, ना हक किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। हर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाएगी। जैसे जिना किसी मुस्लिम औरत के साथ हराम है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम औरत के साथ भी हराम है। जैसे माल किसी मुस्लिम का माल चुराना हराम है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम का माल भी चुराना हराम है। तो हर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान के माल की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा, हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास फहकुमू बिलअद्ल। जब तुम इंसानों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास, जब तुम इंसानों के दरमियान फैसला करो, ये इंसान तुम्हारे पास लड़कर आने वाले मुस्लिम मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम है तो ऐसी सूरत में तुम्हें मुस्लिम की तरफदारी नहीं करनी है, अगर हक गैर मुस्लिम के साथ है। हत्ता कि वो गैर मुस्लिम जो हक पर है वो मुसलमानों का दुश्मन क्यों ना हो, इस्लाम का दुश्मन क्यों ना हो, मगर जब मामला हक का है तो फिर ऐसी सूरत में मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उस गैर मुस्लिम को इंसाफ दो। क्या दलील भाई कि वो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, फिर भी उसको इंसाफ दिया जाए? हाँ दलील, कहा अल्लाह ताला ने वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदलु। किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम न बनाए कि तुम इंसाफ ना करो, वे अपने दुश्मन को भी इंसाफ दो। इंसान का दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि किसी दुश्मन को इंसाफ दिया जाए, और मुसलमान भी इंसान ही है, उसका दिल भी जल्दी नहीं मानता। अल्लाह जो हमारा खालिक है उसको पता है कि इसका दिल भी जल्दी तैयार नहीं होगा, इस वजह से इस पर कितना जोर दिया। देखिए कुरान का उसलूब वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदलु। किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम ना बनाए कि तुम इंसाफ ना करो। बात पूरी हो गई कि इंसाफ करो, मगर चूंकि इंसान मानता नहीं, जोर दिया, कहा एजरु तुम इंसाफ करो, खुलकर कहा एजरु, मफहूम पर इक्तफा नहीं किया, खुलकर कहा एजरु तुम इंसाफ करो। हो अकरबुल तकवा, अभी भी नहीं मानते तो उसको डर बैठाया जा रहा है कि यही तकवा का तकादा है। तुम दावा करते हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह से डर कर अल्लाह का हुक्म मानो। फिर खुल कर कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरकर तुमको ये करना ही है। फिर चैलेंज भरे अंदाज में कहा गया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अगर अभी तुम नहीं मानते तो खबरदार अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने दुश्मन को भी इंसाफ दो। इसी इंसाफ का तकाजा है कि इस्लाम की दावत हर शख्स को दी जाए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। वो गैर मुस्लिम इस्लाम का दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी उसको दावत दी जाए, उसको जहन्नम से बचाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई, उनको बचाना हम पर फ़र्ज़ है, जब हम मुसलमानों से फारिग होंगे तो फिर देखा जाएगा। और उसके दलील लेते हैं वानदिर आशीरतकल अक्रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दो, और हमारे करीबी रिश्तेदार मुसलमान हैं इसलिए मुसलमानों को हम दावत देंगे, उनको जहन्नम से बचाने की कोशिश करेंगे। मगर ये तो देखिए, जब ये आयत नाजिल हुई
वनजीर आशीरत का अकरबीन, तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने खानदान वालों ही को और करीबी लोगों को ही बुलाया, या ये कि सफा पहाड़ पर चढ़े और मक्के के जितने अहम कबाइल थे सबों को दावत दी? तो इस तरीके से मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी लोग मुखातब हुए, सबों से मुखातब हुए आप और सबों को दावत दी। और अगर वनजीर आशीरत कल अकरबीन से इस्तेदलाल करते हुए हम कहें कि दावत को मुसलमानों तक महदूद कर दिया जाए, तो फिर वनजीर नास पर अमल कब होगा? वनजीर नास पर अमल क्यों कब होगा? तो इस तरीके से मुसलमानों का ये समझना कि हम मुसलमानों की इस्लाह कर लें तो हमारी नजात, ये बड़ी गलती है, बड़ी भूल है। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये समझ बैठे थे कि हम दीन की पाबंदी कर लें तो हम कामयाब, हम जन्नती, लोगों को दावत की क्या ज़रूरत है। और ये इस आयत से गलत फहमी में पड़ गए थे। आयत का अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को लाजिम पकड़ो, अपने आप को दीनदार बना लो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा जो गुमराह हो गया। इज़ा हतदैतुम अगर तुम खुद हिदायत पर रहे, तो बहुत सारे लोग ये समझने लगे कि दावत की क्या ज़रूरत है, बस मैं नमाज रोज़े की पाबंदी कर लूँ, मैं तौहीद पर कायम हो जाऊँ, मैं जन्नती। जब इसकी खबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली तो आपने लोगों को जमा किया और कहा अय्युहन नास इन्नकुम तक़रऊना हाज़िहिल आया, लोगो तुम इस आयत को पढ़ते हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मगर इसका सही माना नहीं समझते। इसका सही माना तो वो है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है, वइन्नी समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नन नास इज़ा रऔ अज़्ज़ालिमा फलम याखुज़ु अला यदैह औ शका अन यउम्महुमुल्लाह बिइक़ाब, कि जब लोग ज़ालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसका दोनों हाथ न पकड़ें, उसको पूरे तौर से रोकने की कोशिश ना करें, औ शका अन यउम्महुमुल्लाह बिइक़ाब मिन्हु, करीब है कि अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हो जो दोनों को शामिल हो, ज़ालिम को जुल्म की वजह से और दूसरे को उसका हाथ न पकड़ने की वजह से, जुल्म से न रोकने की वजह से। लोग ज़ालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसको न रोकें, ज़ालिम कौन? हमारे मुआशरे में जुल्म का तसव्वुर यह है कि कोई किसी को नाहक कत्ल करे तो ज़ालिम, कोई किसी को गाली दे तो ज़ालिम, कोई किसी को मारे तो ज़ालिम। चुनांचे अगर हम सड़क पर चल रहे हों, किसी के हाथ में हथियार देखें, वो किसी पर वार करने जा रहा हो, तो हम फौरन उसका हाथ पकड़ेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या जुर्म कर रहे हो, कि हमारे नज़दीक कत्ल करना जुर्म है। इन सब सारे जुर्म से, सारे जुर्म पर तो सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, कि अल्लाह ताला ने कहा इन शिर्क लो जुर्म नाज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुर्म। कितना बड़ा जुर्म? इतना बड़ा जुर्म कि उसके मुकाबले में न चोरी, न ज़िना, न कत्ल। क्या दलील? दलील कि अल्लाह ताला ने कहा इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके अलावा जो भी जुर्म हो अल्लाह ताला जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। तो शिर्क सबसे बड़ा जुर्म, हमारी नज़रों के सामने दिन रात होता है, मगर हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तो फिर अल्लाह का आज़ाब नहीं आएगा? अल्लाह का आज़ाब बल्कि आ चुका है। वो क्या आज़ाब आ चुका है? मुसलमानों का आपस में लड़ना, एक दूसरे के खून का प्यासा होना, ये अल्लाह का आज़ाब ही है। क्या दलील? का अल्लाह ताला ने कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद, कहो कि अल्लाह ताला कुदरत रखता है इस बात पर कि ऊपर से आज़ाब तुम्हारे पर अज़ाब नाज़िल करे, या तुम्हारे नीचे से अज़ाब दें, और या तुमको गरोहों में बांट दें, तुम्हारे दरमियान तफरीका पैदा कर दे और बाज को बाज के ज़रिए से मजा चखे चखाए। तो इस तरीके से मुसलमानों का आपस में लड़ना ये अल्लाह का आदाब है, और ये हल्का आदाब है। अगर हम अभी नहीं संभले तो कोई बाइद नहीं कि अल्लाह ताला हमें यहाँ से हटा दे। वहीं ततवल्लो यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम थुम्मा ला यकुनू अम्सालकुम, ये तो रही दुनिया की बात, ये रहा दुनिया का आदाब। और कोई बाइद नहीं कि दावत न देने की वजह से
गैर मुस्लिमों को दावत न देने की वजह से हमारी आखिरत भी तबाह हो जाए, वो कैसे भाई? हम तो कलिमा पढ़ चुके हैं और हमें जन्नत की गारंटी दी जा चुकी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, जिसने ला इलाहा पढ़ा वो तो जन्नत में चला जाएगा, मगर जन्नत में कब चला जाएगा? जब ला इलाहा पढ़े और उसके मुताबिक अमल भी करे, और उसके मुताबिक अमल का तकाजा है कि हम दूसरों को दावत भी दें। क्या दलील है भाई दूसरे का तकाजा है कि दूसरों को दावत भी दें? कहा अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग समझ बैठे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा? आजमाइश किस किस्म की? आजमाइश की कि अल्लाह ताला दावत की आजमाइश, कि अल्लाह ताला ने कहा وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, हम तो तुम्हें आजमाएंगे यहाँ तक के जाने कि तुम में से कौन अल्लाह की राह में मेहनत करने वाला है। अगर हम अल्लाह की राह में मेहनत करेंगे, अल्लाह के दीन की दावत देंगे, तब तो हम अल्लाह के अज़ाब से नजात पाएंगे, वरना जन्नत की गारंटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। कि कहा अल्लाह ताला ने أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, क्या तुम समझते हो हम जन्नत में चले जाएंगे इस वजह से कि हम कलिमा पढ़ चुके हैं, हम नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं? जब तक ये काम नहीं करोगे, अल्लाह के दीन को दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, गैर मुस्लिमों को तौहीद नहीं सुनाओगे, तब तक तुम्हारी बख्शिश होने वाली नहीं है। हम हसीब तदखुलुल जन्नत, क्या तुम समझते हो हम जन्नत में चले जाएंगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीन जाहदू मिनकुम, जबकि अल्लाह ताला ने जाना नहीं, अभी देखा नहीं कि तुम में से कितने लोगों ने इस राह में मेहनत की है। तो अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो हम पर लाजिम है कि हम खुद तौहीद की पाबंदी करें, शिर्क से बचें, सारे इस्लामी अहकाम की पाबंदी करें, और सबसे अहम जिस काम के लिए हमारा वजूद है, यानी तौहीद की दावत हर इंसान को पहुंचाना, गैर मुस्लिमों को तौहीद की दावत देना, हम उनको तौहीद की दावत दें, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। इस आयत पर हम ख़त्म कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीन यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस वाज़ह दलील और हिदायत को जिसको हमने उतारा सारे इंसानों के लिए, यहाँ छुपा कौन रहा है? मुसलमान। कि अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया कि सारे इंसानों को पहुँचाओ, मगर मुसलमान या तो अपनी फिक्र कर रहा है या सिर्फ मुसलमानों की फिक्र कर रहा है, गैर मुस्लिमों से इस्लाम को छुपा रहा है। इसको तो करना चाहिए था कि सारे इंसानों को इस्लाम की दावत दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उलाएका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून, ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है और दूसरे लोग भी लानत भेजते हैं। तो दूसरे लोग उस वक्त मुसलमानों को जो दुश्मन समझकर सता रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। इससे बचने की सूरत क्या है? एक ही सूरत है, वो अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी, कहा इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाएका तुबू अलैहिम, हाँ अगर ये अपनी इस्लाह करते हैं, अगर ये तौबा करते हैं कि अल्लाह हमसे बड़ी गलती हुई, कि हमने गैर मुस्लिमों को तो कुछ और ही समझा था, आज हमें समझ में आया कि वो तो हमारे भाई हैं, हमें उनको भी दावत देनी है, हमें उन्हें भी जहन्नम से बचानी है, तो अल्लाह अब हम ऐसी गफलत में नहीं रहेंगे, हम उनको भी दावत देंगे। मगर उसकी दावत से पहले क्या होगा? वास्तराहू, पहले तुम अपनी इस्लाह कर लो, तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरी है उसको दूर करो, खाह ईमान की कमज़ोरी हो, अमल की कमज़ोरी है, सबको दूर करो, फिर वह बयनू और मैदान में निकलो, लोगों को बताओ। तो अल्लाह ताला कहता है फ़ाउलाइका तूबू अलैहिम, मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता हूँ, वह अनत तवाबुर रहीम, मैं ही तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, अगर तुम्हें मेरा रहम चाहिए तो मेरा काम करके आओ, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा। वही यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम को पूरे तौर से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और तौहीद का पैगाम, दीन इस्लाम का पैगाम घर घर हर इंसान और हर फर्द तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। جزاكم الله خير واحسن الله اليكم, اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرما لے, مجھے اور آپ کو بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے,
شكر الله مساعيكم رفع الله شانكم عز الله مقامكم جعل الله هذا العمل في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم جزاك الله خير شيخ الله آپ کو خوش رکھے مائك چالو رکھیں آپ چالو کریں بند کر دیا اچھا ٹھیک अभी आने तो दे वीडियो नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेख अबू जैद उनका माइक बंद है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आवाज मेरी पहुंच रही है आपको? जी आ रही है। कैसा लग रहा हूँ? बूढ़ा लग रहा हूँ जवान? जी अल्लाह बरकत दे आपकी उम्र में। आपकी उम्र माशाल्लाह, आपकी आवाज बड़ी कड़क है माशाल्लाह। हम बूढ़े भी हैं तो हम भी हमारी भी आवाज अल्लाह खुश रखे आपको। शुरू करते हैं शेख। जी जी फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان والحمد لله على نعمة مجالس الذكر والإيمان اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين دینی بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں آج ہماری یہ زوم پروگرام پر جدہ دعوی سنٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ کی جانب سے تیسری کانفرنس ہے جس کے پہلے مقرر شیخ فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ جولم تھے اور اب اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے دوسرے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر بن عبد العلیم۔ آپ کا تعلق ملک ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کی خصوصاً ریاست مہاراشٹر سے ہے۔ آپ کی عمر 47 سال بتایا ہے آپ نے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس اجازت روایت حدیث میں شیخ محمد ضیاء الرحمن اعظمی حفظ اللہ سے آپ کے پاس اجازہ بھی ہے اور اسی طرح شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظ اللہ سے بھی آپ نے اجازت الروایہ میں اجازت حاصل کی ہے۔ نیز شیخ عبد الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ سے بھی اور شیخ ثناء اللہ مدنی سے بھی آپ کے پاس روایت حدیث میں اجازت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری دعوتی مصروفیات بھی رہتی ہیں اور دعوتی اسفار بھی آپ کے ہمیشہ رہتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مساجد میں درس و تدریس اور محاضرات کا آپ ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں اور وہ تسارے دروس اور آپ کے وہ لیکچر، آپ کی ایک مخصوص ویب سائٹ ہے اسلامک لیکچر کے نام سے، اس میں موجود ہیں۔ میں خود بھی شیخ کے بہت سارے لیکچر سے مستفید ہوتا رہتا ہوں اور آپ نے تالیف و تصنیف میں بھی ماشاءاللہ کام کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت اور پیاری کتاب آپ کی جماعت اہل حدیث پر اعتراضات کے جوابات، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ نیز نماز کی فضیلت پہ بھی ایک آپ کی تالیف ہے اور اسی طرح سے دروس رمضان پر دینی تعلیم، دین کی بنیادی باتیں، اللہ رب العالمین کا تعارف، قضاء حاجت کے آداب، وضو کا طریقہ، اسلامی آداب، آؤ دین سیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ سب آپ کی تالیفات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کافی نشیط ہیں دعوت دین کے کام میں، اللہ آپ کے ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔
और हम बस इतना ही कह सकते हैं कि रफा अल्लाहु शानकुम अअज्जल्लाहु मकामकुम जअलल्लाहु हादल अमल अत्तैब अलमुबारक फी मवाज़ीन हसनातिकुम तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिह अलअमाल। फजीलत शेख से मैं अभी गुजारिश करूंगा कि आप अपना लेक्चर शुरू करें। फलयतफद्दल फजीलतु मशकूरन व माजूरन जज़ाहुल्लाहु अन्ना कुल खैर। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين। قابل احترام علماء کرام, میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हम सब जानते हैं, कई महीनों से COVID-19 के मसले को लेकर सारी दुनिया परेशान है और इसके नतीजे में इंसान की माशी ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है। कारोबार ठप हैं, दुकानें बंद हैं, कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। बाज़ मुल्कों में चीज़ अब आसानी की तरफ जा रही है, वापस मामूल की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई मुल्कों में और कई इलाकों में ये चीज़ उसी तरह से रुकी हुई है जैसे पहले थी। इस बीमारी की वजह से इंसान की सेहत मुतासिर हुई, कई दुनिया से कई लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, कई लोग इस बीमारी से मुतासिर होकर परेशान हुए। इस बीमारी की वजह से सियासी हालात बदले हैं, इस बीमारी की वजह से सियासी हालात के साथ साथ समाजी हालात बल्कि इंसान की नफ्सियात भी इससे मुतासिर हुई है। तो इस दौर में, इस इन हालात में हमको किन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए, किन बातों को सामने रखकर हमको चलना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कुरान सुन्नत में हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिनका लिहाज इन अय्याम में, इन दिनों में हमको करना चाहिए। सबसे बुनियादी बात, पहली बात बतौर मुकद्दमा ये बात याद रखें कि एक इंसान को अपनी आखिरत की तैयारी और अल्लाह ताला की दौड़ की तरफ दौड़ को भूलना नहीं चाहिए। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, उसकी दौड़ अल्लाह की तरफ होना चाहिए, उसकी जन्नत की। रास्ते में, जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात उस पर आते रहेंगे, लेकिन ये उसका मकसद बदलने वाले हालात ना बने, बल्कि इन हालात को उसके लिए मजीद दीनदारी में इजाफे का जरिया बनना चाहिए, नहीं कि उसकी दीनदारी को मुतासिर करने वाले और उसकी दीनदारी में बिगाड़ पैदा करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, वसे रब की मगफिरत की तरफ, वजन्ना और एक उस जन्नत की तरफ आसमानों और जमीन के बराबर है, उद्दत लिल मुत्तकीन करके रखी गई है, मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए, तक्वा वालों के लिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि सबसे बड़ा बचने का जो मामला है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, अल्लाह को नाराज करने वाले काम, ऐसे काम जो इंसान को हलाकत में डालने वाले हैं, इन कामों से बचना सबसे बड़ी कामयाबी है। आज आदमी डर रहा है कहीं बीमारी उसको न लग जाए, कहीं COVID-19 उसको लिपट ना जाए, कहीं दवाखाने में जाके पड़ ना जाए, कहीं वेंटिलेटर पे ना चला जाए। आदमी डर रहा है कि कहीं ये बीमारी मुझको लिपट न जाए, कहीं मैं इसके यानी दायरे में आकर मेरा हुआ सहमा हुआ है।
लेकिन आप देखिए इससे ज्यादा भयंकर गुनाह है अल्लाह की नाराजगी वाले काम। आखिरत में हलाक होगा एक ऐसी दुनिया में जिसमें बचाने वाला कोई नहीं होगा और ऐसी दुनिया में जहां इलाज का कोई रास्ता उसके लिए बाकी ना होगा। लिहाजा सबसे बड़ी कामयाबी इंसान के लिए है कि वो उन चीजों से बचने की ज्यादा फिक्र करें जो उसको हमेशा के लिए बर्बाद करने वाली है और वो गुनाह है। इन हालात में जो आजकल चल रहे हैं, चाहे ऐसे इलाकों में आदमी रहता हो जहां पर हालात अभी वापस अपने मामूल पर आ रहे हैं, या फिर ऐसे इलाकों में हो जहां पर हालात अभी भी रुके हुए हैं, परेशानियां अभी भी बाकी हैं, तंगी माशी एतबार से और किसी भी एतबार से, बीमारी के एतबार से परेशानियां अभी भी बाकी हैं, तो ऐसे इलाकों में रहता हो उसको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि उसको अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ये हम सब के लिए है, ये हर हाल में है, खुसूसन मुसीबत के हालात में। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ औक़ात बंदों पर इज्तिमाई एतबार से या फिर कभी बंदे की इंफिरादी जिंदगी में मुसीबत डालता है। कभी ये मुसीबत अजाब की सूरत में होती है और कभी इस एतबार से होती है कि बंदे को वापस अल्लाह की तरफ लौटाया जाए। ये उसके लिए तंबीह होती है, ये उसके लिए याद दहानी होती है, ये उसको गफलत की नींद से जगाने के लिए होती है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया में खो के गाफिल हो जाता है, गफलत की नींद सो जाता है, अपने मकसद को भूल जाता है, अपने खालिक को भूल जाता है, अल्लाह के दीन को भूल जाता है। दुनिया अपनी तरफ इंसान को इस तरह से मुतासिर कर लेती है, फेर लेती है कि इंसान अपनी जिंदगी की बुनियादी अहम तरीन चीजों को भूल जाता है, उनसे गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात मुसीबत के हालात इंसान पर डालता है, कभी फर्द पर और कभी मुश्तमा पर, के लिए जगाने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू की दावत देने के लिए हालात आते हैं। तो हमें भी इसमें गौर करना चाहिए कि ये जो हालात हैं क्या हमारी गफलत के नतीजे में तो नहीं आ रहे हैं, हमारी दीन से दूरी की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, हमारी दुनिया परस्ती की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, और इन हालात में अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे। हमें फौरन दौड़ना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ, फिर अल्लाह ताला कुरान करीम अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, दुनिया की तरफ नहीं, मालमता की तरफ नहीं, बल्कि वह हर आन अल्लाह ताला की तरफ लपकने वाला होना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबूना वला हुम यतज़क्करून। सूरह अत-तौबा में आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग देखते नहीं है कि वो साल में एक या दो मरतबा आजमाए जाते हैं, फितने में, मुसीबत में, आजमाइश में, बलाओं में मुबतला किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना वो तौबा करते हैं ना नसीहत लेते हैं, ना होश में आते हैं, ना बेदार होते हैं, ना वाज नसीहत पर ध्यान देते हैं, ना अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ना तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं। साल में एक दो मरतबा कुछ ना कुछ आजमाइश उन पर आती है, कुछ ना कुछ मुसीबत उन पर आती है, हम डालते रहते हैं, लेकिन इन मुसीबतों के बावजूद भी वो होश में नहीं आते, वो जागते नहीं है, वो अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करते, वो अपने हाल पर और अपने माल पर गौर नहीं करते, नसीहत नहीं लेते। तो ये जो हाल इंसान का है, अल्लाह ताला चाहता ही है कि बंदे पर जब मुसीबत आए, उस पर आजमाइश आए, उस पर बलाएं आए, तो वह जागे, वो अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए लपके, वो अपनी जिंदगी पर, अपने हाल पर गौर करते हुए अल्लाह की इस कायनात में डाली हुई मुसीबत को अपने लिए वाज और नसीहत बना ले और अपनी इस्लाह के लिए उसको बुनियाद और जरिया बना ले। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बात कही। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس। खुश्की में, तरी में फसाद बर्पा हो गया, इंसानों की बुरी करतूत के नतीजे में, इंसानों के गुनाहों के नतीजे में। ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, ताकि हम उन्हें उनके बाज आमाल का मजा, उसकी सजा चखाएं, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। इस आयत से बात मालूम होती है, सूरह रूम की आयत नंबर 41 है। इस आयत से बात मालूम होती है कि दुनिया में जो अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, उसकी तरफ से परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, इनका एक खास मकसद होता है, वो ये कि अल्लाह से दूर भागने वाला अल्लाह की तरफ दौड़ने वाला बने, गफलत में सोया हुआ बेदार हो और अपने हाल पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें, वो अल्लाह की तरफ पलटे, वो रुजू करें।
तो हमको भी अपने हाल पर गौर करना चाहिए कि कहीं हम इंफिरादी सतह पर या इज्तिमाई सतह पर अपने माशरे में कहीं हम गफलत की नींद तो सोए हुए नहीं है, अल्लाह से दूर तो नहीं जा रहे हैं, दुनिया में खेल कूद में तमाशों में और दुनिया की सारी ज़ेब और ज़ीनत में खोए हुए तो नहीं अपने मकसद को भूल कर। तो ये जो हालात हैं इनमें हमको अपने हाल पर गौर करना ज़रूरी है और अल्लाह की तरफ लौटना ज़रूरी है, ये पहली चीज़ है। नंबर दो, इन हालात में परेशान सभी हुए हैं, गरीब ही नहीं बल्कि अमीर भी, बस ये कि कोई कम परेशान है कोई ज़्यादा है। किसी की कंपनी अगर वो मालिक भी है तभी भी वो बंद है, परेशान है, जितने वर्कर उसके पास है उनकी तनख्वाह का उसका मसला उसके जहन पर अटका हुआ, उसके उसके सर पर तलवार लटकी हुई कि उनका क्या करें आगे क्या होगा। इसी तरह से सामान उसका यानी बना बनाया रुका हुआ है, तिजारत के लिए नहीं जा पा रहा है, कई लोगों का माल खराब हो गया। एक मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, एक आम आदमी है जो रोजाना के लिए भाग दौड़ करके लिए अपने लिए रिस्क का सामान इकट्ठा करता है, उस आदमी के लिए कहीं काम नहीं, वो घर पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है। वो चाहता है कि करें बी बच्चों को खिलाए पिलाए लेकिन उसके पास असबाब नहीं है, वो दूसरों की मदद के ऊपर जी रहा है, हर आदमी इससे परेशान हुआ है। बाज औकात परेशानियों में ईमान वाले के दिल में भी ये सवाल पैदा होते हैं कि अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है, अल्लाह क्यों ये मुसीबत हम पर डाल रहा है। किसी के घर में किसी की मौत हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई परेशान है, कोई माशी एतबार से, कोई नफसियाती एतबार से, तो आदमी बाज औकात उसके दिल में इन हालात की वजह से इश्कालात पैदा होते हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शिकायत जुबान से कर देता है या कम अज कम दिल में उसकी शिकायत पैदा होती है। वो ईमान की वजह से, अदब की वजह से, कुफर का फतवा उस पर लग जाएगा, इसकी वजह से कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है और बाज औकात वो उन वसवसों के पीछे शैतान की उंगली पकड़ के चलने लग जाता है। इन हालात में अपने दिल को शिकायत से, अल्लाह ताला के फैसलों से, नाराजगी से बचाना चाहिए, अपने आप को अल्लाह की शिकायत से बचाना चाहिए। तो ये दूसरी चीज है जिसको याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीम बात कही है, आपने फरमाया इन अज़मल जज़ाई मा अज़मिल बला, के बड़ी जजा बड़ी बला के साथ आती है। बहुत बड़ा सवाब आपको चाहिए तो आपको छोटी मोटी नेकी नहीं, बड़ी आजमाइश में आपको डाला जाएगा और उसका अजीम शान अजर आपको मिलेगा। तो अजीम शान अजर पाने के लिए अजीम शान बला भी होती है, उसमें अगर आदमी कामयाब हो जाए तो ऐसी तरक्की कर जाता है कि सालों साल में उसकी तरक्की नहीं थी। इसी तरह से आपने फरमाया इन अल्लाह ताला इदा अहब कौमन इब्तलाहु, अल्लाह ताला का ये मामला है, उसकी ये सुन्नत है कि जब किसी से मोहब्बत करता है तो उनको मुसीबत में मुबतला करता है, किसी शख्स को, किसी कौम को, किसी समाज को, अगर उनको पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है तो उन्हें मुसीबत में मुबतला करता है। और आपने फरमाया फमन रदिया फलहु रिदा वमन सखिता फलहु सुख्त या फलहु सखत, तो जो अल्लाह से राजी हो जाता है अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाता है, और जो अल्लाह ताला से नाराज हो जाता है अल्लाह ताला भी उससे नाराज हो जाता है। इस हदीस को इमाम तिर्मिदी और इब्ने माजा ने रिवायत की, हदीस हसन दर्जे की है। इस हदीस से बात मालूम होती है, नंबर एक के बड़ा अजर एक इंसान के लिए जब मुसीबत दुनिया में आती है तो उसको देखने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि देखिए क्या बड़ी मुसीबत है, क्या अल्लाह ने मुसीबत डाल दी, दूसरा देखने का तरीका उसके लिए है कि वह देखिए कि ये अल्लाह की तरफ से अजीम शान अजर कमाने का मौका मुझको दिया गया है, मुसीबत आप पे आना ही आना है। एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बसता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, उस पर मुसीबत आनी आनी किसी न किसी एतबार से, लेकिन बाज़ लोगों के लिए मुसीबतें तरक्की का जरिया बनती हैं और बाज़ लोगों के लिए ये मुसीबतें जवाल और अल्लाह से दूरी का जरिया बनती हैं। मुसीबत से आप फरार इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत पर सब्र करके अल्लाह ताला से राजी होके उसी मुसीबत को अपने लिए अल्लाह से कुर्ब का जरिया और तरक्की की सीढ़ी और जीना बना सकते हैं। आप मुसीबत से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उस मुसीबत में क्या करते हैं ये आपका मुस्तकबल तय करेगा, क्या आप तरक्की करते हैं या जवाल की तरफ जाते हैं। तो इस हदीस में बात बताएगी कि अल्लाह की महबूबियत की अलामत होती है, अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर मुसीबत डाल देता है।
इसीलिए ताउन के बारे में भी आपने फरमाया कि लोगों के लिए तो अजाब है लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है कि अगर कोई आदमी इस पर सब्र कर ले और अपने इलाके में पड़ा रहे और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखे तो ये उसके लिए शहादत का अजर दिलाने वाली हो जाती है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि जो अल्लाह से राजी होता है अल्लाह उससे राजी होता है, जो अल्लाह से नाराज होता है मुसीबत पर अल्लाह उससे नाराज होता है। तो बाज औकात मुसीबत में इंसान अल्लाह की शिकायत करके अल्लाह को राजी करता है, क्या मुसीबत में शिकायत मुसीबत को दूर करती है? नहीं, मुसीबत दूर नहीं होती है लेकिन अल्लाह से दूर इंसान को कर देती है। शिकायत एक इंसान से मुसीबत को दूर नहीं करती है लेकिन उस इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। तो इन हालात में दूसरा करने का काम यह है कि हम अल्लाह से राजी रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों पर हम राजी रहें, शिकायत न करें। क्या अल्लाह ने हमको गरीब कर दिया, क्या अल्लाह ताला ने तंगी डाल दी, क्या अल्लाह ताला ने हमको बीमार कर दिया, क्या अल्लाह ने ऐसा कर दिया सारी दुनिया पर अल्लाह डाल, शिकायत न करें। अल्लाह ताला का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता है, अल्लाह ताला जानता है, वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो बाज़ औक़ात किसी चीज में क्या खैर का पहलू है हम नहीं जानते, ये अल्लाह जानता है। लिहाजा मोमिन चाहे उसको मालूम हो या ना मालूम हो, अल्लाह ताला की क्या मसलहत है, क्या हिकमत है, अल्लाह ताला के फैसलों पर वह हमेशा राजी रहता है। ये दूसरा सबक हमको याद रख, अल्लाह ताला पर तवक्कुल। बुरे हालात में एक एतबार से माजी के एतबार से शिकायत पैदा होती है और मुस्तकबल के एतबार से फ्यूचर के एतबार से डर और खौफ पैदा हो जाता है। आज कितनों को देखिए आप घबराए हुए हैं, एकदम डरे हुए हैं, मालूम नहीं क्या हो जाएगा, अगर मुझको कोरोना हो गया, मुझको COVID-19 हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, डरे हुए सहमे हुए एकदम। कुछ लोग हैं परेशान हैं कि अब जब बिजनेस वापस से जिंदगी अपनी तरतीब पर मामूल पर आएगी मालूम नहीं हमारा बिजनेस क्या होगा, हम तरक्की करेंगे जवाल की तरफ जाएंगे, फ्यूचर बिल्कुल तारीख दिखाई दे रहा है, हमारी जिंदगी एकदम बर्बाद आगे दिखाई दे रही है, सब खत्म हो गया। कितने लोग इस तरह से डरे हुए सहमे हुए हैं, परेशान है, फिक्रमंद है, रातों की नींदें खराब है। बिला शुबा इंसान इंसान है, वो पत्थर और मिट्टी नहीं है, हालात का उस पर असर पड़ेगा, बुरे हालात इंसान को मुतासिर करते हैं, गम और फिक्र इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया से दुनिया में इससे नजात नहीं है, जन्नत में इससे नजात। وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن, ये जन्नत है जहां पर गम नहीं होगा। لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ये मौत के वक्त है, आखिरत में जाते वक्त है, आखिरत में, दुनिया में खौफ और फिक्र और गम इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, उससे नजात नहीं है। लेकिन खौफ ऐसा आदमी को लिपट जाए कि आदमी बदहवास हो जाए, वो खौफ और मुसीबत के असबाब और परेशानियों में इतना खो जाए कि मुसीबतों के हटाने वाले को भूल जाए, मुसीबतों के डालने वाले को भूल जाए, ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, उसे मालूम होता है कि मुसीबत आती भी अल्लाह की तरफ से है और हटाता भी उसको अल्लाह ही है, और अल्लाह जिस पर मुसीबत डाले अल्लाह की इस बात को कोई हटा नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी पर किसी की हिफाजत करना चाहे, किसी के लिए हिफाजत का इरादा करें, सारी दुनिया मिलके, सारी कायनात मिलके, सारी मखलूकात मिलके भी, सारी कोरोना मिलके उसको हलाक नहीं कर सकते, सारे वायरस मिलके उसको तबाह नहीं कर सकते, जरा भी बीमार खांसी सर्दी भी नहीं होगी उसको अगर अल्लाह ताला बचाना चाहे। एहतियात अपनी जगह है लेकिन ईमान उससे ऊपर है। आदमी एहतियात के नाम पर और आदमी यानी असबाब के नाम पर एक आदमी अल्लाह को नहीं भूले, अपने ईमान को बालाए ताक ना रखे, वो इस बात को याद रखे कि मुसीबतों का डालने वाला अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो मुसीबत पहुंचे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाह लना हुवा मौलाना वअला अल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून, सूरह अत्तौबा आयत नंबर 51। अल्लाह ने फरमाया नबी आप कहिए लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाह लना, हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंचने की सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने हम पर लिख दिया है। वह मौलाना, वह हमारा कारसाज है, वह हमारा निगेबान है। وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, और ईमान वालों को चाहिए कि वह अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल करें। बिलाशुबा एहतियात हमको करना चाहिए इन हालात में भी और आम हालात में भी,
तवक्कुल का ये मतलब नहीं कि आप स्टेयरिंग छोड़ दें और आंखें बंद करके कहें अगर मुसीबत आने वाली होगी, एक्सीडेंट होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, अल्लाह मेरा मुहाफिज है। ये नादानी बेवकूफ़ी है। असबाब का इख्तियार करना ये भी दीन का एक हिस्सा है, समझदारी और अक्लमंदी का हिस्सा है। लेकिन ये कि एक इंसान इतना घबरा जाए कि उसे ऐसा लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरी माश बर्बाद हो जाएगी, मेरी सेहत के लिए ख़तरा हो गया है और मेरे सारे मसाइल बिगड़ गए हैं, अब मालूम नहीं आगे क्या होगा, इतना डर जाए कि अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए, अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। एक इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। तो ये बात याद रखनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लो अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरुज़िक्तुम कमा युर्ज़िकु अत्तैर तग़दु ख़िमासन व तरूहु बितना। इमाम अहमद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, हाकिम और ये हदीस सही है। आपने फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करो, जैसे कि उस पर तवक्कुल करने का, उस पर भरोसा करने का हक है, जैसा कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर ऐसा भरोसा करो, तवक्कुल का हक अदा करो, तो तुम्हें वैसे रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है। तग़दु ख़िमासन व तरूहु बितना, सुबह सवेरे भूखे पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं रिस्क की तलाश में और शाम को सैर होकर लौटते हैं। अल्लाह उनको रिस्क देता है, वो अपने पास संभाल के नहीं रखते हैं, बैंक बैलेंस उनका नहीं होता है, तिजोरियाँ उनके पास नहीं होती हैं, बड़े बड़े गोडाउन उनके नहीं होते हैं, उनके हर दिन का डेली बेसिस पर इनको रिस्क मिलता है, अल्लाह उनको देता है। पर एक चिड़िया दुनिया में है, एक परिंदा है, एक मछली है, एक रेंगने वाला, एक चलने वाला जानवर है, कितने चौपाए, कितने जानदार है, छोटे बड़े, सब का रिस्क अल्लाह उनको देता है। उनको जब देता है तो हमको क्यों नहीं देगा? मोमिन का एतमाद अल्लाह पर होना चाहिए, अल्लाह पर उसको भरोसा होना चाहिए। ये तीसरी बात है, इसको याद रखें। नंबर चार, सोशल मीडिया की मुसीबत से बचें और अपने वक्त को बर्बाद ना करें। कुछ काम नहीं है, शोहर भी घर पे, बीवी तो घर पे ही है, अब सुबह से शाम तक पलंग पे लेटा हुआ है और मोबाइल फोन उसके हाथ में है, कभी यूट्यूब की वादियों में है, तो कभी फेसबुक के मैखाने में है, तो कभी कहीं और, दिन भर यही चलता रहता है। खाने का वक्त हो गया, चलो खाना खा लो, हाँ नमाज पढ़ ली जल्दी जल्दी फिर वापस आके बैठ गए, सुबह से शाम तक इस पर आदमी वक्त ज़ाया करता है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं कोविड के पेशेंट का हाल देख रहा है कि कैसा तड़प रहा है, कोई आदमी देख रहा है सियासी हालात पर कुछ तबसरे देख रहा है, टीवी डिबेट देख रहा है, फजूल एक दूसरे को गाली गलौज, चीख पुकार, शोर शराबा, इसी में अपना पूरा दिन, सुबह इतना वक्त हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद आदमी पूरा वक्त दिन भर, जो लोग आज घर पे बैठे हुए उनके बारे में खास तौर से कह रहा हूँ, कुछ लोग तो चलो काम काज में लग भी गए हैं कुछ इलाकों में, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि आज भी मुसलमान घर पे बैठा हुआ है, बीवी उसी मसरूफ है, खाना वाना हो गया, अब उसके बाद में चलो शुरू। गोया कि वाकई ये ऐसा मशगला है जिस पर यानी अमल न करने की वजह से आखिरत में मुतालबा होगा कि तुमने फेसबुक क्यों चेक नहीं किया, तुमने यूट्यूब क्यों नहीं देखा, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया तुमने, आखिरत में गोया कि पूछ होगी। जैसी बेल की आवाज आ गई, वो बोलते भी हैं बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्यों? ताकि जैसी आपका आवाज आए फौरन आप अल्लाह के हुक्म की तरह उठ के देखें क्या हुक्म है मेरे आका का। आज हम ये गुलाम हो गए मोबाइल फोन के, तो अपने वक्त को इसमें जाया ना करें। आपने आज से 100 साल 50 साल पहले लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि एक आदमी अपनी जरूरत के लिए पैसे खर्च करके एक चीज लाए और वो चीज उसकी मालिक बन जाए और ये उसका गुलाम बन जाए। आज मोबाइल हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम बन चुके हैं। वो एक आवाज दे हम लोग फौरन पलट के देखते हैं, बल्कि दूसरे की बेल आइकन, दूसरे का नोटिफिकेशन आया तो हम अपने मोबाइल में चेक करते हैं, मेरा तो नहीं आया। ये हाल हमारा हो गया है। अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। ठीक है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना गलत नहीं, यूट्यूब फेसबुक ये हराम नहीं, गलत नहीं, कबीरा या मासियत नहीं, लेकिन आप अपने दायरे में रहकर उससे फायदा उठाएं, आप उतना उससे काम जितनी वाकई
जरूरत है उलमा कि आप अपना वक्त कि आपके पास वक्त है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते थे वक्त ही नहीं मिलता, बैठा हुआ घर में किताबें इतनी सारी जो आज तक तूने नहीं पढ़ी और तमन्ना जाहिर करता था काश के वक्त मिल जाए तो मैं किताब पढ़ूंगा, काश के मैं अरबी सीखूं, तजवीद सीखूं, कुरान इतना पढ़ूं, फला किताब है सालों से नहीं पढ़ी है चाहत है और रहीकुल मक्तूम पढ़ूं, तफसीर की किताब पढ़ूं, आसमुल बयान पढ़ूं, फला किताब पढ़ूं, हदीस की याद सालीन पढ़ूं, बुखारी मुस्लिम जितनी सारी किताबें हैं अकीदे पे किताबें हैं, किताब तौहीद है उसकी शरह है इतनी बड़ी ये पढ़ना है मुझको, वक्त नहीं मिलता। आज आपके पास वक्त है, आप पढ़िए, वक्त निकालिए। आप फेसबुक पे आप लंबे लंबे मैसेज पढ़ रहे हैं, जोक्स पढ़ रहे हैं आप उसके ऊपर बैठ के, आप बड़े बड़े वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, एक हो गया तो दूसरा आपके लिए सजेशन आ जा रहा है, आप ठीक है ये भी लाओ, जो ऐसा वो परोस रहा है आप वैसे खाते जा रहे हैं, रूहानी ग़िज़ा आपको गलत मिल रही है, आपके जहन आपका जहन खराब हो रहा है, आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं, बचे इनसे, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेमत व फराग, दो नेमतें हैं। बहुत से लोगों का हाल ये है कि वो इन दो नेमतों के बारे में धोखे में है, सेहत व फराग, ये दो चीजें क्या हैं, सेहतमंदी और फरागत, फ्री टाइम और हेल्थ, ये दो चीजें ऐसी बड़ी नेमत है। बोलो बिजी बिजी खूब कमाना है, मेरे ख्वाब पूरे करने हैं, तरक्की के पहाड़ पर मुझको चोटी पर पहुंचना है, वक्त नहीं होता है जब सेहत होती है, रिटायर हो जाता है वक्त होता है लेकिन सेहत नहीं होती है, दोनों चीजें जमा होना बड़ा मुश्किल है। तो एक इंसान को अगर अल्लाह ने सेहत भी दी है और उसको फुर्सत भी दी है, फरागत भी दी है, अब वो इस कीमती मौके को जिसमें दो बड़ी चीजें जिनका जमा होना बड़ा मुश्किल होता है जमा हो गई है, अब इसको कचरे में इस्तेमाल करें, फजूलियात में इस्तेमाल करें, ऐसी चीज में ना जिसमें दुनिया का फायदा ना आखरत का, इसमें आदमी इसको लगाए, इससे ज्यादा नादान कौन होगा, इससे ज्यादा बेवकूफ और अहमक आदमी कौन होगा जिसने सबसे कीमती चीज को सबसे बेकीमत चीज में खर्च किया। एक आदमी है लाखों रुपए दे के कचरा अगर खरीद के लाए, आप क्या कहेंगे, अकलमंद है? बस रास्तों पे पड़ा हुआ कागज जितने भी थे फेंका हुआ कचरा था उसने पैसे दे के सारा जमा करके ट्रक में भर के या बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के अपने गोडाउन में ला के रख दिया, क्या कहेंगे आप, इसको अकलमंद है ये? फिर तूने पैसा दिया जो कीमती है और ये कचरा उठा के ले आया, यही काम करते हैं जब अपनी सेहत और फरागत के औकात में हम ऐसे काम करते हैं जिनका ना दुनिया में फायदा ना आखरत में। बाज़ औकात किसी चीज में फायदा दिखाई देता है लेकिन वो फायदा बहुत थोड़ा होता है, उसको थोड़े वक्त के लिए करना चाहिए, नहीं कि मुस्तकिल अपनी जिंदगी का मशगला उसको बना के रखें। आप कुरान पढ़िए, जिक्र कीजिए, तिलावत कीजिए, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, अपने वक्त को सही कामों में खर्च करें, ये भी याद रखने की चीज है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह पिछली हदीस जो है मैंने जो जिक्र की है इमाम बुखारी ने उसको रिवायत किया है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इदाअतुल वक्त अशद्दु मिनल मौत, वक्त ज़ाय करना मौत से ज्यादा सख्त है, मौत से भी भयानक है कि आदमी वक्त ज़ाय करे। वाकई मौत आदमी का कैसे फरमाते हैं لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الدار عن الله والدار الآخرة اور والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها, कहते हैं वक्त का जाय करना, वक्त का बर्बाद करना ये मौत से ज्यादा भयानक है, इसलिए कि मौत तुझको वक्त का जाय करना तुझको अल्लाह और आखिरत से काट देता है, दूर कर देता है, मुनक़त कर देता है, अल्लाह से दूर कर देता वक्त ज़ाय करना, आखिरत के ऊंचे मकामात से जन्नत से दूर कर देता वक्त का ज़ाय करना। और मौत क्या है, मौत तो बस तेरे रिश्तेदारों से तुझको काट देती है, दुनिया की नेमतों से काट देती है, बल्कि अगर दीनदार आदमी है तो फिर वो खल्क से काट के उसको खालिक से जोड़ देती है, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना, वो मखलूक से उसको काट के रब्बुल आलमीन की तरफ ले जाती है, और वो दुनिया घटिया दुनिया सड़ी हुई दुनिया से उसको निकाल के आखिरत की आला नेमतों की तरफ उसको ले जाती है। तो अगर वाकई आदमी दीनदार है तो मौत तो उसके लिए खैर का जरिया बन जाती है, मौत भयानक नहीं है, लेकिन वक्त का जाय करना, मिली हुई जिंदगी का जाय करना, आखिरत की कामयाबी के लिए मिले हुए एक पहले और आखिरी मौके का जाय करना, ये ज्यादा भयानक है, ये ज्यादा भयानक है। तो इंसान के लिए जरूरी है
कि वो अपने वक्त को बर्बाद ना करें बल्कि अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फवाइद में बात कही है, उनकी किताब अल-फवाइद उसमें बात कही है। नंबर 5 इबादात का अहतमाम, मैं इख्तिसार से बता रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। इबादात का अहतमाम करें, वक्त सही इस्तेमाल करें में सबसे अहम चीज़ क्या है, वो मकसद जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये हमारा मकसद है। अपने कल्ब से, अपनी अपनी जुबान से और अपने बदन से हम अपने औकात को अल्लाह की इबादत में सर्फ करें। कभी अल्लाह की याद में हो, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में और आखिरत के बारे में, अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में, खैर के बारे में, कुरान और सुन्नत में गौर करने में आदमी लगा हो, जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, तस्बीह और तहमीद कर रहा हो, लोगों से खैर की बात कर रहा हो, लोगों को दीन सिखा रहा हो और अपने बदन से नेक अमाल कर रहा हो, रुकू में, सुजूद में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील में अपने औकात को सर्व कर रहा हो, लोगों के ताउन में सर्व कर रहा हो अपने औकात को, अपने बदन को खैर में लगा रहा हो, अपने वजूद को खैर में सर्व कर रहा हो, वैसे भी पिघल के ख़त्म होने वाला है, खैर में इसको लगाना इसके लिए बका का जरिया है आखिरत के दबार से। तो 5वीं चीज जो है इबादत का अहतमाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लो अन रजुलन यखिरु अला वजहिही मिन यौम वुलिदा इला यौम यमूत हरमन फी मर्दातिल्लाह अज़्ज़ा वजल लहक़रहु यौम अल-क़ियामा। इमाम अत-तबरानी ने अल-कबीर में इसको रिवायत किया है और सही तरगीब में शेख अल-अल्बानी ने कहा कि ये हदीस सही है, सही ले गैर ही है। क्या हदीस है? आप फरमाते हैं, एक आदमी, अगर एक शख्स जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से लेकर बूढ़ा हो के मरने की उम्र तक, मरने के दिन तक, पैदाइश से लेके वो मरने तक यहाँ की इबादत में जमीन पर पड़ा रहे, सज्दे में पड़ा रहे, अल्लाह की इबादत में वो जमीन पर पड़ा रहे, मुंह के बल जमीन पर पड़ा रहे, तो कयामत के दिन वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात को देखेगा तो उसको लगेगा कि मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं था। लहक़रहु यौम अल-क़ियामा, कयामत के दिन इतना बड़ा अमल भी उसको कुछ नहीं ऐसा लगेगा। इस ताल्लुक से मोहम्मद इब्न अबी उमैरा कहते हैं, वलवद्द अन्नहु युरद इला दुनिया कैमा यज़्दाद मिन अल-अज्र वस-सवाब, कहते हैं कि वो उस वक्त तमन्ना करेगा, यानी उसको लगेगा ये कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने जाया कर दिया, मैंने वाकई कुछ भी नहीं किया, जितना करना चाहिए था मैंने नहीं किया। और वो तमन्ना करेगा कि काश मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाता ताकि मैं ज्यादा अमल करता, ज्यादा इबादत करता, ताकि ज्यादा अजर मुझको मिलता। आखिरत में जब देखेगा वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना हकदार है बंदे की इबादत का, उसे एहसास होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अल्लाह तो इससे ज्यादा का हकदार है। आखिरत में जब वो देखेगा कि अल्लाह के पास इनाम कितना बड़ा है, उसका अपना तसव्वुर था कि अल्लाह मुझको ये देगा, लेकिन वाकई जब देखेगा कि अता अल्लाह की तरफ से क्या है, तो उसे लगेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझको तो ज्यादा करना चाहिए था, मैंने वाकई हक अदा नहीं किया अल्लाह की इबादत का। और वो चाहेगा कि वापस एक बार दुनिया में भेज दिया जाता ताकि मैं और ज्यादा अमल करके आता। लहक़रहु यौम अल-क़ियामा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी नमाजों का हाल क्या है? हमारी तिलावत का हाल क्या है? हमारी इबादत, हमारे जिक्र और जितने भी अमाल हम करते हैं उन पर गौर करें, वाकई उनको अच्छे से अदा करें, इखलास से अदा करें, सुन्नत के मुताबिक अदा करें, खुशबू से अदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद के साथ अमाल को अदा करें, इसलिए कि ये भी ज़रूरी, अल्लाह की याद के बगैर अमाल बेजान है, बेरूह है। इसलिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी कि अल्लाह की महब्बत, उसके खौफ और उसकी तज़ीम के साथ अल्लाह की इबादत करना, इबादत को रस्म नहीं बनाना बल्कि इबादत को वाकई कैफियत के साथ अदा करना, ये भी ज़रूरी है। तो इन अवकात में अब हमारे पास बहुत वक्त है, हम इबादत अल्लाह की करें, उसका हक अदा करें। नंबर 6, फजूल खर्ची से बचें, ये भी याद रखने की चीज़ है। आगे हालात कैसे आएंगे हमको नहीं मालूम, आगे हालात
कैसे आएंगे हमको नहीं मालूम। फजूल खर्च यहाँ वहां सब कर रहा है, घर में बैठा है और वक्त भी बर्बाद कर रहा है और पैसा भी बर्बाद कर रहा है। नहीं, खास तौर से वो जिसके पास माल है, अपने वक्त को सोच समझ के खैर में खर्च करें। हाँ, खैर में खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक का हक जाय करके दूसरे को देना, ये फजूल खर्ची है। ऐसी चीज में खर्च करना जिससे ज्यादा जरूरी दूसरी चीज थी, ये फजूल खर्ची है। कि फर्ज में जहां खर्च करना था उसमें खर्च ना करें, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी चीज में खर्च करें जिसके खर्च करने पर कोई न फायदा है न उसके अंदर उसके लिए कोई अल्लाह की तरफ से सवाब का कोई वादा है। ऐसी चीजों में खर्च करना ये फजूल खर्ची है। तो अपने माल को सही इस्तेमाल करें, जाय न करें, बचा के रखें, हो सकता है कल काम आए। हाँ, हकदारों से न बचाए, लेकिन अपने माल को गैर जरूरी चीजों में खर्च न करें, संभाले, किफायत शारी से, थोड़े में काम चलता है चला ले। आज कितने घरों में आप देखिए खाना बनता है, वो खाना जाय हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, कई ऐसे लोग मर गए इन दिनों में, कई ऐसे लोग मर गए इन दिनों में रास्तों पर, सड़कों पर चलते चलते, हिंदुस्तान में आप देखिए रास्तों पर चलते चलते खाने के लिए कोई बिस्किट का पैकेट भी दे दे उसको अगर, तो बहुत बड़ा एहसान। जिंदगी भर शायद उसको याद रखे, वो दिन याद रखे जब उसने इस तरह से भूखे वक्त में उसको दिया था। ऐसे भी लोग दुनिया में, ऐसे हालात से लोग गुजर रहे हैं। कई लोग भूखे मर गए, उनको नहीं मिला खाने के लिए, कई कई दिनों से भूखे थे, किसी ने दे दिया एक बिस्किट का पैकेट, उसको दे दिया, वो लेके खाते वक्त रोने लग गया, खा रहा है और रो रहा है, खा रहा है रो रहा है। उसको एहसास हुआ कि ये नहीं मिलता, कितनी ये छोटी चीज समझता था मैं, लेकिन कितनी बड़ी चीज है, एक लुकमा भी मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है। हमारे घरों में आप देखिए खाने बन रहे हैं, खाना जो है कूड़े में चला जा रहा है, हमको कोई एहसास नहीं। जाया ना करें, नेमतों को जाया ना करें, नेमतों की कदर करें, पैसों की कदर करें, उनको इस्तेमाल खैर में करें, जितनी जरूरत है उतना करें, किफायत शारी का एहतमाम करें। बीवी शोहर को मुसीबत में न डाले, अपनी ख्वाहिशात अपनी चाहतें नहीं, शोहर भी फैमिली की वजह से उनको खुश रखने के लिए कम से कम कुछ दे देंगे तो परेशान तो नहीं करेगी। बाद शोहर ऐसे भी होते हैं, उसको एक के बाद उसकी चाहतें पूरी कर रहा है, क्यों? इसलिए कि ये मुसीबत है, अगर उसको न दें तो जैसे बच्चा रोता है अगर उसको कुछ ना मिले, वैसे बीवियों का भी बाज़ औक़ात हाल होता है, शोहर भी ऐसा करता है। ये बिगाड़ रहा है उसको, उसको दुनियादार बना रहा है, उसको दीनदार बना है। तो अपने माल को जाया ना करें, उसको संभालें, हो सकता है कल हालात बुरे आए, उस वक्त में ये संभाला हुआ काम आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तुबद्दिर तब्दीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानु इख्वानश शयातीन وكان الشيطان لربه كفورا। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कि फजूल खर्ची मत कर, माल को गलत राहों में लुटा मत, फजूल खर्ची मत कर। क्यों? इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले, तबदीर करने वाले, ये शैतान के भाई हैं, और शैतान तेरे रब का बड़ा नाशुकरा है। अल्लाह की नेमत को जाय करना नाशुकरी है। अल्लाह की नेमत को उसके मसरफ में खर्च करने के बजाय उसको बर्बाद कर देना, ये भी नाशुकरी है। अल्लाह की नेमत का हक ये है कि उसको उस चीज में इस्तेमाल किया जाए जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह जिससे राजी होता है, अपने मातहतों के हुकूक अदा करने में, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की इशाअत में, खैर के कामों में, लोगों के ताउन में। ये नहीं कि आदमी यूं ही बेवजह उसको लुटाता रहे और जाय करता रहे। तो ये भी याद रखें, अपने माल को बर्बाद न करें। नंबर 7, घर वालों से अच्छा सलूक करें। बहुत से घरों में बीवी दुआ कर रही कि अल्लाह जल्दी से इस कोरोना का मसला हल कर दे ताकि ये वापस से जॉब पे चला जाए, और शोहर भी दुआ कर रहा है अल्लाह जल्दी से इसका मसला हल कर दे ताकि इससे मेरी जान छूटे। बहुत सारे घरों में ये भी हाल है कि ना बीवी चाह रही कि शोहर घर पे रहे, ना शोहर चाह रहा है कि मैं घर पे रहूं, एक दूसरे से नजात चाह रहे हैं। हमारे घरों का हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में एक दूसरे से मोहब्बत का माहौल होना चाहिए। बाज़ वक़्त आदमी टेंशन में है, आगे क्या होगा मालूम नहीं, न्यूज़ देख रहा है सुबह से शाम तक, अब वो देख देख के मोबाइल तो गर्म हो ही रहा है, उसका दिमाग भी गर्म हो रहा है। अब बच्चा करी है कुछ बात करना चाह रही है, उसको भी झिड़क दिया झांट डपट। कभी बीवी का मसला चल रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में पड़े हुए, सता सता के जान हराम कर दी उसकी, जीना हराम कर दिया उसका, हैरान कर दिया उसको,
अब वो शोहर पे गुस्सा निकाल रही, आप मेरी हवाले कर देते, खुद तो संभालते नहीं, दिन भर मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। शोहर बीवी को दोष दे रहा है, बीवी शोहर को दोष दे रही है, और बच्चे दोनों को देख रहे हैं, भाई दोनों में सही कौन है की तरह। तो ये जो माहौल घरों का, बाज घरों में माहौल है, गलत बात है, सही नहीं है। मुसलमान का घर उल्फत व महबत वाला, सब्र वाला होता है, एक दूसरे पर रहम करम करने वाला मामला उनके घरों में होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस रضي الله تعالى فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالعيال, अल्लाह के रहीम थे अपने عيال کے ساتھ, اپنے اہل عيال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ آپ بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے, آپ رحمت للعالمین تھے۔ ہم امتی ہیں تو کچھ تو حصہ اس کا ہم کو بھی ملنا چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, آپ کی اقتداء میں رحمت والے بنے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو حدیث میں کیا بتایا گیا ہے, ارحموا من فی الارض ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آدمی ساری دنیا میں رحم کرے, اپنے گھر والوں پر رحم نہ کرے, یہ افسوس کی چیز ہے, بلکہ شروعات یہاں سے ہونا چاہیے, زیادہ حقدار گھر والے ہیں۔ تو خاص طور سے گھر کا جو بڑا ہے, مثلا شوہر ہے, وہ گھر میں چڑچڑے پن والا نہ ہو, اور کوئی بھی اس سے کہے تو دعائیں دینے لگے, معلوم نہیں حالات کیسے چل رہے ہیں, میں کتنا ٹینشن میں, تم سمجھ نہیں رہے ہو میرے حالات۔ ہاں بھائی, ایک دن دو دن ٹھیک ہے, آپ 24 گھنٹے ایسی بنے رہیں, مہینہ بھر آپ ایسے رہیں, ٹھیک نہیں, ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے یہی سیکھیں گے, آپ کی فیملی, آپ کے بچے کیا سیکھیں گے کہ ہاں ٹینشن کے حالات میں ایسا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ والد صاحب کی سنت یہ ہے, وہ آپ سے یہی سیکھیں گے۔ آپ سے اگر وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی ہمارے والد صاحب کیسے صبر والے, کیسی شفقت والے, کیسی نرمی والے تھے, کہ ہم سے محبت کا سلوک کر رہے ہیں, ہماری غلطیوں پہ ہم کو ڈانٹ بھی رہے ہیں لیکن شفقت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں, ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ماں باپ کا ہمارے دیکھو سلوک آپس میں کیسا ہے, غربت کے حالات, گھر میں کھانے ٹھیک سے نہیں ہے, لیکن دونوں کی پیشانی پر شکن تک نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیسا محبت سا جنگ والا نہ بنا لیں کہ ایک دم سول وار شروع, گھروں میں محبت اور رحم کا تعلق رکھیں۔ اعاد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, اللہ تعالی جب کسی گھر والوں کے اوپر ان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان گھر والوں میں, ان کے دلوں میں نرمی کو ڈال دیتا ہے, اس گھر میں نرمی کا ماحول, رفق کا ماحول, شفقت اور نرمی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے, ایک دوسرے کے لیے وہ نرم ہو جاتے ہیں, سختی نہیں, چڑچڑاپن نہیں, غصہ نہیں, ڈانٹ ڈپٹ نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے فساد نہیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا, یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نمبر آٹھ, نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کریں, بلکہ گھر والوں کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی احترام کریں۔ مہینہ چلا گیا, نہ بچوں کو دین سکھایا, نہ کچھ, دو دو تین تین مہینے گزر گئے, ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ ان کو صحابہ کا تعارف ہے کہ نہیں, قرآن کا تعارف ہے کہ نہیں, حدیث کا تعارف ہے کہ نہیں, رسول کو پہچانتے کہ نہیں, شرع احکام معلوم ہے کہ نہیں, وضو طہارت معلوم ہے کہ نہیں ان کو۔ اگر آپ یہ نہیں سکھا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس موقع ہے, تو موقع جب چھین جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ بیوی شوہر پر ذمہ داری ڈالے, شوہر بیوی پر ڈال دے, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے, بیوی کی بھی ہے, شوہر کی بھی ہے۔ مرد گھر پر قوام ہے, گھر کے اوپر وہ ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا وہ رائے اپنے گھر والوں کا, اور اسی طرح سے عورت بھی۔ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, سرپرست ہے, ذمہ دار ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر میں دیکھیں, گھر میں دین کا ماحول بنائے, کسی وقت میں بچوں کو ساتھ میں لے کے ان کو قرآن کی کوئی آیت بتا, اس کو سمجھائے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے, آپ کسی عالم کا لیکچر ان کو سناؤ, دیکھو بیٹا سنو اس کو, بیٹھو ہم, میں بھی سن رہا ہوں تم بھی سنو, دین کی عظمت آپ کو دیکھ کے وہ سیکھیں گے, آپ جیسا کرو گے ویسا وہ کریں گے, کیونکہ آپ ان کے سامنے ہو, ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں ہے, ان کے سامنے آپ ہو, آپ اللہ کے رسول کی بات کی کتنی تعظیم کرتے ہو, آپ صحابہ کو کتنا اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہو,
आप कुरान की बात को कितनी अहमियत देते हो वो आपको देख के सीखेंगे, और आप उनके सामने इन चीजों का कितना तस्करा करते हो, या सुबह शाम यही बोलते हो, देखो मैं पैसा कैसा कैसा करके पैसा ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, कैसा अनाज तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, कैसा मैं रह रहा हूँ घर के अंदर। आप अपनी तारीफ करेंगे या अल्लाह की भी करेंगे? आप अपनी फजाइल बयान करेंगे या रसूल का भी तारुफ उनको कराएंगे? आप अपनी कुर्बानियों का तस्करा करोगे अपनी औलाद के लिए या फिर सहाबा की कुर्बानियों का भी तस्करा करोगे इस पूरी उम्मत के लिए? ये भी देखने की चीज है कि हम अपने घर में क्या जहन बना रहे हैं। तो घर में दीन का तस्करा हो, अगर आप नहीं बता सकते, आप दीन की बात नहीं कर सकते, ठीक है आपके पास इल्म नहीं। आज ऐसा दौर है कि आप यूट्यूब पे कितने सारे लेक्चर्स है उलमा के, वेबसाइट कई ऐसे हैं। हाँ ये नहीं कि अल्लम गल्लम आप कहीं भी चले जाएं, एक डाली से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर आप कहीं निकल जाए आपको मालूम नहीं कहाँ से आया था। काबिल एतमाद अहले इल्म की खिताबात आप अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को सुनाएं, आप खुद भी सुने, उनको भी सुनाएं, उसको सीखें, उनको सिखाएं, या घर का माहौल होना चाहिए। इब्न उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अद एक शख्स से उन्होंने कहा, अदिब इब्नक, अदिब इब्नक, अपने अपने बेटे को अदब सिखा और कहा, फइन्नका मसूलुन अन वलदिक, तुझसे तेरे बेटे के बारे में, औलाद के बारे में पूछा जाएगा, मादा अदबतहु, तूने उसको क्या डिसिप्लिन बनाया, क्या अदब सिखाया, व मादा अल्लमतहु, और तूने उसको क्या तालीम दी, एजुकेट किया, क्या अदब सिखाया, क्या डिसिप्लिन बनाया। सिर्फ जानकारी काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी आना चाहिए। बच्चों को दीन सिखाना इल्मी एतबार से और दीन पर लाना अमली एतबार से, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो कहा कि तुझसे पूछा जाएगा, वह इन्नहु मसूलुन अन बिर्रिका व तवाइयतिही लक, हाँ तेरी औलाद से भी पूछा जाएगा कि उसने तेरे साथ क्या भला किया, क्या भला सुलूक किया या नहीं किया, तेरी फरमाबरदारी की या नहीं की, तेरी औलाद से भी पूछा जाएगा, वो भी मसूल है। खास करके अगर वो बालिग हैं उनसे पूछा जाएगा, आखिरत में उनसे सवाल होगा, लेकिन तुझसे पहले पूछा जाएगा। क्यों? इसलिए कि उनके बनने बिगड़ने का मदार तेरी तरबियत पर है। अगर तू सही तरबियत करे वो सुधरेंगे, तो उन्हें गलत तरबियत की वो बिगड़ेंगे। इमाम अल-बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि नौवीं चीज़ याद रखने की है कि हम सखावत का अहतमाम करें। मेरे मसाइल, मेरी दुनिया, मेरे प्रॉब्लम, मैं मेरा घर, अपनी अपनी अपने खौल से, अपने कुएं से बाहर निकले। आपसे ज़्यादा मुसीबत में कई और लोग हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपके पास 4 महीने के लिए सारी तैयारी है, उसके पास कल के लिए भी नहीं है। आप अपनी दुनिया में खोए कि 5वें महीने का आप सोच रहे हो, लेकिन आपका पड़ोसी कल का सोच रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक मुसलमान उसके पास खाने पीने के लिए हो, पेट भर के खाए, और पड़ोसी भूखा, करवटें बदल रहा, और उसको मालूम है, लेकिन फिर भी उसका वो जाने, मेरा मैं जानू। ऐसे वक्त में तो अपने को अपना सोचना पड़ता है। नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं है। वो खुद भी मुसीबत से बचता है, अगर उसकी इस्तेदाद है दूसरों का भी सोचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब नास इल्लाह ताला अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब बंदे अल्लाह के नजदीक वो हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, जो लोगों के लिए नफा बख्श हैं वो अल्लाह के नजदीक महबूब हैं। तो दूसरों को कितना फायदा पहुंचाता है, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो कितना बड़ा बिजनेसमैन है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस में जीता है। तो दुनिया है तो सिर्फ तिजारती सोच तेरे पास है, तेरे पास दुनिया की तिजारत की सोच है, आखिरत की नहीं। सबसे बेहतरीन, महबूब तरीन बंदे अल्लाह के नजदीक वो हैं कि जो लोगों के लिए नफा बख्श साबित हों। व अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला सुरूरुन तुदखिलुहा अला मुस्लिम, कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमल ये है कि वो कि तू किसी दूसरे मुसलमान को, किसी मुसलमान को खुश करे। गमगीन है, फलां वाले साहब का इंतकाल हो गया COVID-19 में, या फलां रिश्तेदार का हो गया, या गमगीन है कि देखो मेरी तिजारत ख़राब हो गई, इतना माल खरीद के रखा था सब खराब हो गया, कोई फ्रूट वाला है तो कोई तरकारी वाला, कोई क्या, बाद लोगों की तिजारतें खराब हो गई, स्टॉक खराब हो गया, सड़ गया सब कुछ, क्या करेंगे वो लोग।
खेत खेत खराब हो गए, साइक्लोन आया, फला चीज हुई, तो हालात में परेशान है लोग, आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसको खुश करें, अरे भाई अल्लाह इससे अच्छा देगा तुमको, याद के ऊपर बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो आदमी कुछ हौसला अफजाई के कलिमात कह के, पैसा नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया उसको, लेकिन कम से कम दो बोल भलाई के बोल के उसको खुश करे, ये भी बहुत बड़ा सदका है। तो कहा कि सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक ये है कि तू एक मुसलमान को खुश करे, औ तकशिफ अन्हु कुर्बतन, इससे बढ़ कर ये कि तू उसकी तकलीफ को दूर करे, औ तक़दी अन्हु दैनन, या तू उसके कर्ज को खुद अदा करे, उसकी तरफ से कर्ज को अदा करे, औ तक़तुरदु अन्हु जुअन, ये कम अज कम ये कि उसकी भूख मिटाए, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता भाई, एक वक्त का खाना तो खिला सकता है, उसको खाना खिलाया, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ तो उसको खिलाया। वला अन अमशिया मा अखी फी हाजतिन अहब इलैय मिन अन अअतकिफा फी हाज़ल मस्जिद यानी मस्जिद अल मदीनति शहवान। आपने फरमाया कि मैं अपने मुसलमान भाई की मदद में, उसकी जरूरत में, उसकी हाजत में चलूं, ये मुझे ज्यादा पसंद है इसके मुकाबले कि मैं इस मस्जिद में, मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबूवी में एक महीने का इतकाफ करूं। एक मुसलमान की हाजत में दौड़ धूप करना, उसके साथ चलना, ये मस्जिद नबूवी में एक महीने इतकाफ से ज्यादा पसंद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस हदीस को इमाम अत-तबरानी ने अल-कबीर में रिवायत किया है और शेख अल-अल्बानी ने सैयद जामे-सगीर में इसको हसन कहा है। इससे मालूम होता है कि इंसान को चाहिए कि अगर वो खुश रहना चाहता है तो किसी गमगीन को खुश करे, वो अपने आप खुश हो जाएगा। जब हम दूसरों को, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आते हैं, तो इसका फौरी इनाम अल्लाह की तरफ से ये होता है कि अल्लाह ताला आपकी तकलीफ को हल्का कर देता है। और ये दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों का भी तजुर्बा है कि जब आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है, उनके दुख दर्द में उनके काम आता है, तो खुद उसके दिल में हल्कापन और एक किस्म की खुशी पैदा होती है कि मैंने कुछ भलाई तो किया। इसलिए कि खुशी सिर्फ माल और दौलत से नहीं होती है, आला खुशी जो होती है वो आमाल से होती है, माल से बढ़कर। तो ये भी याद रखें। आखिरी चीज, दसवीं चीज जो मैं बता के बात को खत्म करूंगा, वो ये कि हम ठीक है ये मसाइल हैं, हालात हैं, आज ये हालात हैं, कल दूसरे हालात हैं, इससे पहले कुछ हालात थे, आते जाते रहेंगे, लेकिन क़यामत से बढ़ के भयानक हालात कभी नहीं आएंगे। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, इससे बड़ा अर्थक्वेक, इससे बड़ा ज़लज़ला न तारीख में आया ना आएगा। यौम तुबद्दलुल अर्ध ग़ैरल अर्ध वस्समावात, जिस दिन आसमान यानी जमीन दूसरी जमीन से और आसमान दूसरे आसमान से बदल दिए जाएंगे, जिस दिन पहाड़ चलाए जाएंगे, जिस दिन लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन इंसान का हिसाब होगा, जिस दिन इंसान जन्नती या जहन्नमी बनेगा, उसके अबदी मुस्तकबल का फैसला होगा, इटर्नल लाइफ के बारे में फाइनल डिसीजन होगा, हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम। इससे तो बढ़ के हालात नहीं है, इससे भयानक हालात नहीं है। तो एक आदमी याद रखे कि इन हालात में वो ग़िज़ा ले आखिरत की तैयारी के लिए, वो देखे कि देखो आज ऐसे हालात जरा से पैदा हो गए, क्या हाल हो गया लोगों का, कोई किसी का नहीं, आज कितने परेशान हो गए लोग, आज क़यामत के दिन लोगों का क्या हाल होगा, आखिरत में कितना मोहताज होगा इंसान, आज कितने लोग जिनके पास सब कुछ था आज इतने मोहताज हो गए, आज प्यास और भूख का क्या हाल है, क़यामत के दिन प्यास का क्या हाल होगा, जहन्नम में जाने के बाद वहां भूख लगेगी, वहां प्यास लगेगी, वहां पर खाने के लिए ज़क़ूम है और पीने के लिए वहां पर हमीम है, वहां का क्या। अकलमंद आदमी वो है जो छोटी चीज को बड़ी चीज से बचने के लिए सबक बनाए, अपने लिए वो गिज़ा बनाए रूहानी एतबार से, वो छोटी चीज को देख के सोचे और बड़ी मुसीबत से बचने के लिए असबाब इख्तियार करे। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मौत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत की मुसीबत, अगर इंसान गुनहगार है, आखिरत की मुसीबत मौत से शुरू होती है और उसका हर आने वाला मरहला पहले मरहले से ज्यादा अशद होता है। हम दुनिया में इतने खो ना जाएं कि आखिरत को भूल जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, आखिरत का अज़ाब
दुनिया के अजाब से भी बड़ा है। काश के लोग जानते हैं, काश के इन्हें मालूम होता। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने कहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है उन लोगों के बारे में जो दुनिया ही में खोए रहते हैं, यहाँ की नेमतें, यहाँ की परेशानियां, यहाँ के ही मसाइल, कामयाबी दुनिया की, नाकामी दुनिया की, अच्छे ख्वाब दुनिया के, और फिक्र और परेशानी और टेंशन दुनिया ही का। अल्लाह ताला फरमाता है يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ये बस दुनिया के दुनियावी जिंदगी के जाहिर ही को जानते हैं ऐसे लोग, जो जाहिरी खुशनुमा दुनिया दिखाई दे रही है, माल दौलत ये वो, इज्जत ओहदा शोहरत, ये सब इसी को जान रहे हैं। وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, लेकिन ये लोग आखिरत से गफलत में पड़े हुए हैं। ये दुनिया के जाहिर ही को जान रहे हैं, लेकिन आखिरत जो इससे ज्यादा बढ़ के हैं, अच्छे के लिए इससे बेहतर हैं, बुरे के लिए इससे बदतर हैं। وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, लेकिन इनका हाल यह है कि ये आखिरत से गफलत में पड़े हुए हैं। ये सूरह अर्रूम में आयत नंबर 7 में अल्लाह ने कहा है। इससे बात मालूम थी कि हमको दुनिया की मुसीबत में ठीक है परेशान होंगे, कोशिश करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, उस मुसीबत से बचने के लिए सारे रास्ते तलाश करेंगे, असबाब की हैसियत से हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, बेफिक्र यूं ही बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ दुनिया दुनिया करते रहें और आखिर करेंगे कब? बचपन आया, बचपन गया, फिर जवानी आई, फिर जवानी गई, फिर बुढ़ापा आया, फिर बुढ़ापा गया, मौत आई। हर मरहले में आदमी टालता रहता है, बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी फजूलियात में, खुराफात में और संभलने में, और फिर उसके बाद जब जवानी चली जाती तो बुढ़ापा आ जाता, लेकिन करने की सलाहियत ही नहीं होती है, इस्तेदाद खत्म होने लगती है। तो इस जिंदगी को हम कब कब संवारेंगे, आखिरत के लिए कब करेंगे? दुनिया के लिए हम 24 घंटे 24/7 महीना साल सब कुछ तो कर रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया ही को दे देंगे जिंदगी, तो आखिरत के लिए क्या है? मसाइल अगर दुनिया की तो इससे बड़े मसाइल आखिरत के हैं, नेमतें अगर दुनिया की तो इससे बेहतर आखिरत की हैं। तो जब दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं तो आखिरत के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, और कितना करना चाहिए उसके लिए? अगर आखिरत के लिए उतनी तैयारी नहीं जितनी दुनिया के लिए कोशिशें हैं, तो इस बात की अलामत है कि आखिरत को हमने दुनिया पर तरजीह नहीं दी, या हमें आखिरत के बारे में अभी शऊर ही नहीं है, या तो ईमान में नक्स है, या फिर आखिरत के बारे में अंदाजे में हम नाकाम हैं। इसलिए जागना जरूरी है और आखिरत की अहमियत को, आखिरत की फिक्र को अपने दिल में बसाना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इसको हमारे ईमान की तरकीक का जरिया बनाए, और हमें आखिरत के लिए तैयारी करने वाला बनाए, और दुनिया की मुसीबतों से टूटने वाला हमको न बनाए, बल्कि इन मुसीबतों में अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने असबाब को इख्तियार और आखिरत के बड़े सफर में हमको कामयाब बनने। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल खल्क़िल्लाह नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अजीज साथियों, दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस के पेश नजर, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। तो इस हदीस को पेश नजर रखते हुए हम जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा ममलकत सऊदी अरब की जानिब से सबसे पहले फजीलतुल मशाइख, आज के हमारे सबसे पहले मुकर्रर फजीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज अब्दुल्ला जौला मामूरी मदनी, और हमारे दूसरे मुकर्रर फजीलतुल शेख अबू जैद दमीर बिन अब्दुल अलीम हफ़िज़हुमुल्लाह के बेहद मशकूर और ममनून हैं। आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया अपने प्रोग्राम के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने अपने मौज़ू का हक अदा कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि मौला करीम आपकी इन मुखलिस कोशिशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे। फिर हम उन तमाम अस्हाबुल फ़ज़ीला उलमाए किराम और दाईन इस्लाम के भी
बेहद मशकूर हैं, ममनून हैं जिन्होंने हमें अपनी कीमती मशकरों से नवाजा, और आप तमाम भाई बहनों के भी हम शुक्र गुजार हैं कि आपने तलब इल्म दीन, खिदमत दीन, दावत दीन, इल्म अमल, ईमान और यकीन में इजाफे की गरज से जद्दा दावा सेंटर हयात सलामा ममलकत सऊदी अरब के इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन आपने अपनी हाजिरी लिखवा कर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। हम दोबारा आपका शुक्र अदा करते हुए आज की इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं, और हमारे इस कॉन्फ्रेंस के एक्टिव मेंबर जो हमारे दावा सेंटर के कारकुनान हैं आज हमारे दरमियान इस कॉन्फ्रेंस में, अगरचे वो घर से ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी भाभी की कल वफात हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भाभी की मगफरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनके जो औलाद हैं, रिश्तेदार हैं, सबको सब्र व सलवान अता फरमाए। हमारी उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला भाई मुनीर खालिद की भाभी को बाल बाल मगफिरत फरमाए और उनको उनके कब्र के मसाइल आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा वाफिहा वाफ़ अन्हा وادخلها الجنه وادخلها جناتك فسيح جناتك جنات النعيم। तो मैं अपने जद्दा दावा सेंटर की जो नेटवर्क के जुनूद मजहूलीन काम कर रहे हैं, तो उनमें से हमारे मुनीर भाई के बड़े फर्जंद बिलाल मुनीर, अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत वाफ़ियत से रखे, उनके इस खामोश कोशिशों को कबूल फरमाए। मेरे एक और भाई मुखलिस और खैर-ए-अंदेश हैं अबू जमील हफ़िज़हुल्लाह रहा वताहुल्लाह बिस्सहत वल आफिया, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला इनकी मसाइल को सिर्फ कबूलियत से बख्शे। जज़ाकुम अल्लाहु जमीअन व अहसन अल्लाहु इलैकुम व रफ़अ अल्लाहु शानकुम व जअला अमलकुम हाज़ा फ़ी मवासिकि हसनातिकुम व वफ़ाकुम अल्लाहु लिकुल्लि ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। जो भाई भाइयों इस्लामी माँ और बहनों, कल भी हमारा ये प्रोग्राम और हमारी ये तीसरी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बड़े अच्छे और आलमी शोहरत याफ्ता हमारे मुकर्रर हैं करके हजरत शेख अहमद दीन, और उसके अलावा हजरत शेख अहमद दीन ये हमारे साथ लंदन से जाए होंगे, और बड़ी खुशी है आपके भी उनकी तकरीर सुनेंगे तो आशाज कर रह जाएंगे इंशाल्लाह। आपको और हमें कल तक का मौका नसीब फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। जो भाई हमारे दावा सेंटर के कुछ ग्रुप्स वगैरह में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप का ग्रुप और फेसबुक का ग्रुप और इंस्टाग्राम का ग्रुप हमने डाल दिया। जो भाई लिंक कॉपी करना चाहते हैं वो चैट में जाके कॉपी कर सकते हैं, जिनको चैट में नहीं समझ आ रही तो उनको मैं कह देता हूँ, तो आप नंबर कॉपी कर लें, नंबर लिख लें, मैं कोड के साथ बताता हूँ। आप इस इनमें से किसी भी नंबर पर क्लिक करके आप हमारे उनको मैसेज कीजिए, आप हमारे दावा सेंटर के ग्रुप में इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं नंबर बोलता हूँ +9665063670233 +9665063670233 और दूसरा नंबर है +9666±9665075854504
मैं दोबारा दोहराता हूँ, +9665075558504, तीसरा नंबर है +9661250612853, मैं दोबारा दोहराता हूँ +9665061285 03। हमारा दावा सेंटर यूट्यूब पेज और दावा सेंटर का यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज जो है उस पर आप जद्दा दावा सेंटर सर्च में लिखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दावा सेंटर आ जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। जो भाई नोट करना चाहते हैं तो वो नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट बाद मीटिंग को एंड करूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। जो भाई टाइप कर चुके हैं, मतलब सेव कर चुके हैं नंबर, तो वो लीव कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे दावा सेंटर के जूम पेज पे, जूम पे। इंशाल्लाह लजीज कल इसी टाइम पे दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक वअतूबु इलैक।